सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A1 टेक में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे L&T लोन में आपको कैसे लोन अप्लाई करना है जिससे आपका लोन है रिजेक्ट नहीं होगा और वहां पे आपको आराम से लोन मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना बैंक स्टेटमेंट के आपको लोन मिल जाएगा सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की बेसिस पे। और कैसे आपको अप्लाई करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने शायद 7 से 8 दिन पहले एक आपको DSA प्रोवाइड किया था रूल लोन्स का, जिसमें आप अप्लाई करते हो तो आपका लोन है रिजेक्ट हो जाता है, चाहे वो पिन कोड की वजह से हो या फिर आपके क्राइटेरिया की वजह से हो। तो किस रीजन से रिजेक्ट होता है वो भी आपको बताऊंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी आपको बताऊंगा, कैसे आपको इसमें लॉगिन फाइल करनी है और उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, रूल लोन्स का जो एक DSA L&T का, इसका सबसे अच्छा क्राइटेरिया ये है कि 730 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए और 23 साल मतलब कि 23 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और अगर 23 साल से प्लस आपका एक महीना भी अगर कम है तब भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दो रीजन होगा, सबसे पहले 730 हमें सिविल चाहिए, इसके बाद में हमारी एज है वो 23 प्लस होनी चाहिए, साथ में 3 महीने के अंदर हमारी लोन इंक्वायरी एक भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 3 महीने के अंदर आपने लोन के लिए कहीं भी ट्राई नहीं किया हो और उन्हीं का ही लोन आपको यहाँ पे आपको अप्रूवल होगा और अप्रूवल होकर 1 घंटे के अंदर आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। अब इसमें अपलोड क्या क्या होता है वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये दो ही चीज अपलोड होती है, साथ में आपको एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ती है। इसके लिए आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MIRC कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना रहता है, यानी कि आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये सब कंप्लीट होने के बाद में आपको ऑटो ईमेंडेड करना होता है, जिसमें आपका ऑटो डेबिट से आपकी EMI कटेगी, जिसके लिए आपको आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है नेट बैंकिंग का, सेकंड ऑप्शन होता है ऑटो डेबिट, मतलब कि हमारा डेबिट कार्ड से। तो डेबिट कार्ड से भी हम ऑटो ईमेंडेड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन साइज का क्राइटेरिया यह है कि 730 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ में आपकी लोन इंक्वायरी 0 होनी चाहिए और आपकी एज है 23 मतलब 23 साल होनी चाहिए, साथ में इसके अलावा आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है आपके पास ITR GST सैलरी स्लिप हो, बिना ITR सैलरी स्लिप के भी आप लोन ले सकते हो, साथ में ही आपका इसमें पिन कोड अवेलेबल अगर नहीं है तो उसका भी कोई इश्यू नहीं है, बिना पिन कोड के भी आप लोन ले सकते हो। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।